Let's start revision of Heron's formula. हम आज questions कर रहे हैं आर डी शर्मा से. आर डी शर्मा में जो एम सी क्यू दिए हैं इस टॉपिक पे. फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 16, 30 and 34. तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है आपको. तो सिंपली आपका s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. साइड्स हैं 16, 30, 34. सबको ऐड कर दें तो 16 + 30 + 34 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 30, 30, 60, 70 और ये 10, 80 अपॉन 2 वैल्यू आ गई 40. सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपकी आ गई 40. अब हम इसको फॉर्मूला में रख दें अंडर रूट s दैट इज़ 40 s माइनस a मतलब 40 - 16 40 - 30 40 - 34 यही होगा. अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू निकालें क्या आ रही है. Forty minus 16, 24. 40 - 30 is 10 and 40 - 34 is 6. अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो बेटा वर्क ऑन द पेयर्स. क्या नज़र आ रहा है 40 और 10 मल्टीप्लाई के क्या हो रहा है करके क्या हो रहे 400. 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का. तो इससे बाहर आपका एक 20 आ गया. ये 24 है ये 6 है. 24 को हम 6 फोर ज़ा लिख सकते हैं और ये 6 एज इट इज़ देर आर 2 6 एंड 4 इज स्क्वायर ऑफ 2. तो ये क्या हो गया 6 2 ज़ा 12. बाहर आपका एक 12 भी आ गया. तो 12 × 20 आंसर क्या आएगा 240. आंसर इज 240. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एरिया इज ऑप्शन ही नहीं है. कुछ गलती हुई 16, 30, 34 80 by 240, 40 - 16, 24, 40 - 30, 10, 40 - 34, 6. करेक्ट है 40 × 10, 400 का स्क्वायर 20. 24 इज 6 फोर ज़ा 2 6 से 1 6 आएगा 4 से 2 आएगा 6 2 ज़ा 12 आएगा. 20 × 12 = 240. तो इसका आंसर तो 240 ही आएगा. ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. मिसप्रिंट है इसमें. इसमें ये आएगा ही नहीं जो दिए हैं ऑप्शंस. तो हमारा आंसर करेक्ट है 240 ही आएगा. सेकेंड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल इज 30. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल उसका बेस 30 है. तो ये दोनों साइड इक्वल है ये 30 है. तो एरिया पूछा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का बेस 30 है तो ये वाली साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए. और हम इसमें यदि लगा दें पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर. ये परपेंडिकुलर बेस दैट इज हाइपोटेनियस. तो ये हो गया 2 times ए स्क्वायर इक्वल टू 30 × 30. आई एम नॉट स्क्वायरिंग बिकॉज आई विल जस्ट कैलकुलेट लाइक दिस. तो ये 2 से कैंसिल हुआ ये हो गया 15. तो ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 15 × 15 × 2. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 15√2. आपकी साइड आ गई √2 × a √2 × 15. हाइपोटेनियस होती है √2 × साइड. तो √2 × 15 करते तो आंसर 30 आ जाता. इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं. हमारा ये राइट ट्राइंगल में आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस डायरेक्टली क्या होती है √2 × साइड. तो हमारे पास हाइपोटेनियस 30 थी √2 इधर आता डिवीज़न में तो हम इसको रेशनलाइज करते बेटा √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो ये 30√2 / 2 होता तो भी वैल्यू क्या आती 15√2. तो हमारी ट्राइंगल की साइड आ गई 15√2. और अब हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको पता है ये बेस ये हाइट दोनों इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे. हेरॉन्स फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट ट्राइंगल है. तो हाफ ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 15 × 30 है ना. डायरेक्टली मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ निकालने के बजाय तो हाफ 15 × 30 ये कैंसिल हुआ ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर.
तो हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या आया 225। अच्छा यदि आप यहाँ पर उससे निकालते नेरॉन्स फॉर्मूला से तो भी आंसर यही आता, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता। और दूसरा प्रॉब्लम क्यों होती, क्योंकि साइड जो थी आपकी ये 15√2 है, तो आपको नेरॉन्स फॉर्मूला लगाने में यहाँ पर दिक्कत होती। तो इसलिए आप इसको ऐसे क्वेश्चन में जब राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 7, 9 एंड 14, इट्स एरिया एस। तो 7 + 9 + 14 ये हो गया 16, 16 + 14 = 20, 30। तो सेमी पेरीमीटर आपका क्या आ गया 30/2, दैट इज 15। है ना, सेमी पेरीमीटर आ गया 15, तो एरिया क्या हुआ अंडर रूट 15 इंटू 15 - 7 = 8, 15 - 9 = 6 एंड 15 - 14 = 1। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है कि जितनी कम स्टेप्स में आप कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ कर पाए, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो स्क्वायर रूट लेना है, 15 is 3 5 ज़ा 8 is 4 2 ज़ा एंड 6 as it is 1 का कोई रोल नहीं। ये 3 2 ज़ा भी क्या बन रहा है 6, और 1 6 ये है, 2 6 हो गए, और 4 का square root 2, तो 6 2 ज़ा 12 और रूट में क्या बच गया 5, 5 की कोई पेयर नहीं है, तो आपका एरिया क्या आया 12√5 cm². ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर 325, 300 एंड 125 मीटर, एरिया कैलकुलेट करें। तो एस क्या हुआ 300, 300, 600, 700 + 25, 25, 50, 750 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 375, है ना, 375 आएगा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से चेक कर लिया कि करेक्ट है या नहीं। आप इन सबको ऐड करते 300, 300, 600, 750, तो एस हुआ 750/2, लिख करके भी करते तो यही आता 375। एस आपका आया 375, एरिया क्या हो गया अंडर रूट 375 मल्टीप्लाइड बाय 375 में से 325 माइनस होंगे 50 बचेगा, 375 में से 300 माइनस होंगे 75 बचेगा, 375 में से 125 माइनस होंगे तो 250 आएगा, तो ये आपका आ गया 250। अब ये नंबर्स आ गए, अब हमको क्या करना है इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो हम देखें कि ये 50 है, ये 250 है, 250 को हम 55 लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 50 × 5। ये 50 एज इट इज़ 75 कैन बी रिटन एज 25 × 3 = 75 375 भी 5 से डिविजिबल है, आई थिंक 25 से भी है, 25 × 1 = 25, इसको 25 से करेंगे तो ये 25 × 2 = 25 बचेगा 12 = 125, 25 × 5 = 125, है ना, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, डाउट हो तो 15 × 5 = 75 कैरी आया 7, 15 × 2 = 30, 30 + 7 = 375। तो ये इस तरह से आप यदि कैलकुलेशन वहीं की वहीं चेक कर लोगे तो गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन, अब हमें बनानी है इनकी पेयर। तो आपको ये 225 नज़र आ रहे हैं, इनसे एक 25 आ गया, 250 हैं इससे आपका एक 50 आ गया, अब ये 3 5 = 15 एंड दिस इज़ ऑल्सो 15, तो एक 15 भी आ गया, तो स्क्वायर रूट आपका क्या आया 25 × 15, तो आपको पता है 25 × 15 = 375, तो 375 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 = 25 कैरी 2, 5 7 = 35 और 2 = 37 कैरी 3, 5 3 = 15, 16 17 18, आंसर इज़ 18750। यूनिट क्या होगी, मीटर था तो मीटर स्क्वायर, मीटर में थी सारी डायमेंशन, तो 18750 मीटर स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन अपेयर्स टू बी करेक्ट, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें हमें क्या बोला है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड इज, इसमें हमको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट साइड पर होता है और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट साइड पर होता है, क्योंकि एरिया क्या है, बेस और हाइट का प्रोडक्ट, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट,
तो वैल्यू तो सेम आना चाहिए। हम एरिया के लिए ट्राइंगल के, आपके पास देर आर थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, आप ये वाला बेस ये हाइट ले लो, या ये बेस ये हाइट ले लो, या ये बेस ये हाइट ले लो, एरिया की वैल्यू तो सेम आना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है। प्रोडक्ट एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यदि बेस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो हाइट शुड बी स्मॉलर ताकि प्रोडक्ट सेम रहे, बेस छोटा हो गया तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी ताकि प्रोडक्ट सेम रहे। तो ये बात आपको याद होना चाहिए बेटा कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो बेस विल बी लॉन्गर, और यदि हाइएस्ट एल्टीट्यूड पूछा है तो बेस स्मॉलेस्ट होगा, है ना। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, याद रखो। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50, 78 एंड 112। द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड किस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, 112 के। तो अब हमें पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हम एस निकालें तो 112 प्लस 78 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, 8 + 2 = 10, कैरी 1, 5 + 7 = 12, 13 + 14 = 4, कैरी 1, 1 × 2 = 240 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 120। अभी की अभी वापस से एक बार सम चेक कर लो। ये 8 + 2 = 10, कैरी 1, 7 + 5 = 12, 13 + 14 = 4, कैरी 1, 1 × 2 = 240 / 2, 120 करेक्ट है। अभी की अभी करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम पूरा क्वेश्चन कर लें, कुछ गलती हो गई फिर वापस देखेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो वहीं की वहीं क्रॉस चेक करते चलें। एस आ गया, एरिया आपका अंडर रूट एस मतलब 120। 120 में से 112 माइनस हुआ क्या बचेगा, 8। 120 में से 50 माइनस हुआ क्या आ गया, 70। और 120 में से 78 माइनस हुआ, 2 ऐड करके 80, एंड 120 माइनस 80 इज 40। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 42। तो आपको ये सब नंबर्स मिल गए। अभी आपको क्या दिख रहा है कि 120 है, 70 है, मतलब दोनों के पास दो ज़ीरो हैं, तो दो ज़ीरो हैं मतलब 100, तो बाहर क्या आ जाएगा, 10। 8 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा, 12 कैन बी रिटन एज 4 3 ज़ा, 7 एज इट इज़ एंड 42 कैन बी रिटन एज 7 6 ज़ा। हाँ, तो अब हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, वी कैन लुक फॉर द फैक्टर्स। 2 4 हैं, एक 4 बाहर आ गया, 2 7 है, एक 7 आ गया, 3 × 2 = 6 और एक और 6, तो एक 6 भी बाहर आ गया। सारे के सारे नंबर के दो फैक्टर से सब बाहर आ गए, पेयरिंग हो गई। अब मल्टीप्लाई करें तो 7 6 = 42, 42 4 = 4 2 = 8, 4 4 = 16 एंड दिस 0। तो आंसर क्या आया, 1 6 8 0। ये किसका आंसर आया है, ये तो हमारा एरिया आया है, हमको तो एल्टीट्यूड निकालना है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो एरिया आया है 1 6 8 0, तो 1 6 8 0 किसके इक्वल होगा, हाफ बेस लेंगे 112 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। तो आपने इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 2 5 = 10 बचेगा 1, 2 6 = 12, 56। तो 1 6 8 0 डिवाइडेड बाई 56। अब देखो 1 6 8 0 को मुझे 56 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर दूँगी तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये 7 8 = 56, 4 2 = 8, 2 से कैंसिल हुआ 3, 3 10 = 30। यहाँ पे फैक्टर्स ही हैं, मुझे वहाँ पर सोचना पड़ेगा किस किस टेबल से जा रहा है, यहाँ हमने फैक्टर्स ही लिखे हैं। तो हमारा आंसर जल्दी आ गया कि हाइट क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर। यूनिट सारी सेंटीमीटर थी तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हुई 30 सेंटीमीटर। अब देखो यदि हम इसकी बजाय लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकाल रहे होते तो हम बेस क्या लेते, 50, तब हमारा बेस आ जाता 50, और 50 का हाफ क्या हो जाता, हाफ बेस इंटू हाइट 25, तब हम 1 6 8 0 को डिवाइड कर रहे होते 25 से, तब हम इसको डिवाइड करते 10 × 4 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 = 25, 5 2 = 10, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, 7 4 = 20, 7 6 = 42, 42 × 8, 8 2 = 16, कैरी 1, 8 4 = 32 और 1 3 = 36 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ गया, 5 6 = 30 बचेगा 3 36, 5 7 = 35,
फाइव टू ज़ा टेन, 67.2। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड आपका आएगा 67.2 और स्मॉलेस्ट आया 30। और यदि आप हाइट लेते 78 तो आपका वैल्यू इनके बीच में आ जाती। तो 78 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 9 18, 39। तब आंसर और डेसिमल में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 1680 विल बी डिवाइडेड बाई 39। 39 सिर्फ 13 3 होता तो 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 13 आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, है ना। तो ये भी हम कैलकुलेशन आप चाहें तो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। फिर से हमसे सेम पूछी है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि हमें एरिया पहले निकाल करके उसको हाफ बेस इनटू हाइट से इक्वेट करेंगे तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम करें सेमी पेरीमीटर 11 प्लस 60 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 2, 132 बाय 2, 112, 66 12 प्लस 113, कैंसिल करोगे 26 बचेगा 1, 26 12, 66 आ गया, है ना। तो अब एस एरिया क्या हो गया, अंडर रूट एस मतलब 66, 66 माइनस 11 इज 55, 66 माइनस 66 एंड 66 माइनस 61 इज 5। अभी क्या नज़र आ रहा है, फैक्टर्स दिख रहे हैं बड़ी आसानी से, ये 11 6 है और ये 11 5 ज़ा, और यहाँ पर एक 6 और 5 भी हैं, तो पेयरिंग हो गई, आपके पास दो 11 हैं, एक 6 एक 5 एक 6 एक 5, 6 5 ज़ा 30, तो 11 इंटू 30 इज 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया, पर हमसे एरिया नहीं पूछा है, हमसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है। तो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स टू लार्जेस्ट बेस, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 61। तो हम क्या करेंगे, 330 इक्वल टू हाफ 61 इंटू एच, ये टू उधर गया तो ये हो गया 660 डिवाइडेड बाय 61। तो द एल्टीट्यूड टू द, अच्छा एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड पूछा है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड नहीं पूछा, सॉरी, क्योंकि तो डेसिमल में आ रहा था, एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड पूछा है, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है। स्मॉलेस्ट साइड आपकी कौन सी है, 11, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11, तो ये क्या होगा, 330 इक्वल टू हाफ इंटू 11 इंटू एच, तो ये 660 डिवाइडेड बाई 11 हो गया, 11 6 और 0, तो आंसर क्या आ गया, 60 मीटर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, मैंने अभी गलती कर दी थी, मैंने एक्चुअली ऊपर वाला ये दोबारा देख लिया, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड और स्मॉलेस्ट पढ़ के मुझे लगा यहाँ भी सेम क्वेश्चन दिया है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, बट यहाँ क्या था, स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, द एल्टीट्यूड ऑफ द लार्जेस्ट साइड मतलब स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो फिर से सबको ऐड करें तो ये 16 16 32 और 10 42, मैंने इसका 1 इसको दिया ये 16 हो गया, 2 16 16 टू 32 प्लस 10 42, 42 का हाफ क्या हुआ 21, तो ये हो गया 21 आपका एस, है ना, सेमी पेरीमीटर हो गया 21, तो 21 इंटू 21 माइनस 11 इज 10, 21 माइनस 15 इज 6, 21 माइनस 16 इज 5, तो एरिया क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर 21 इज 7 3 ज़ा, 10 इज 5 2 ज़ा एंड 6 एंड 5, तो 3 2 ज़ा 6 और 6, दो पेयर 6 किए दो पेयर 5 किए, तो 6 5 ज़ा 30 बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 7, बिकॉज 7 का कोई पेयर नहीं था, तो आंसर आएगा 30 रूट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड, सॉरी एल्टीट्यूड पूछा है, ये आंसर नहीं है, ये तो हमारा एरिया आया है, ये इसीलिए दिया है ताकि जो सिर्फ एरिया निकाल लेगा और टिक कर देगा और चल जाएगा आगे। एल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 16, तो दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये कैंसिल हुआ 8, 8 इधर आया डिविज़न में, तो हाइट इक्वल टू 30 रूट 7 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल हो रहा है 4, 15, 15 रूट 7 बाय 4 है ऑप्शन, ऑप्शन सी, तो आंसर 15 रूट 7 बाय
फोर आएगा. द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8. वट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का एरिया 8 है. अभी थोड़ी देर पहले हमने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में आपको मैंने बताया था ये साइड ए है, ये ए है, तो ये रूट टू इंटू ए आएगी हाइपोटेनियस. द एरिया हमको दिया है 8 और पेरीमीटर पूछा है, तो हम क्या करें? एरिया मतलब हाफ ए इंटू ए, हाफ ए स्क्वायर की वैल्यू 8 है, तो ये 2 उधर गया, तो ए स्क्वायर 8 2 16, ए की वैल्यू क्या आ गई? 4. तो आपकी साइड्स तो हो गई 4 4, एंड दिस विल बी 4 रूट 2. तो हमें यदि पेरीमीटर निकालना है तो हम इन तीनों को ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 4 8, और ये 4 रूट 2 जो है ये एज इट इज़ रहेगा, ये कंबाइन नहीं होगा. आप इसको 12 रूट 2 लिख दोगे तो इट विल बी इनकरेक्ट. नंबर सिस्टम का कंसेप्ट याद रखो. तो आंसर क्या आएगा? 8 प्लस 4 रूट 2. ये कोई ऐड करके 12 रूट 2 लिख देगा तो ऑप्शन में तो है, बट दैट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन. तो आंसर 12 रूट 2 नहीं आएगा, 8 प्लस 4 रूट 2 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब एक के बाद एक आती हैं. जो साइड्स हैं, जैसे यदि ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 2 है, या आप इसकी जगह एक्स माइनस 1 भी ले सकते हैं, है ना, तो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं. अब क्या बोल रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी हैज़ द सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ऑफ लेंथ 9, इसका पेरीमीटर उतना ही है जितना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 9 है उसका पेरीमीटर है, तो हम क्या करें? इसका पेरीमीटर क्या हुआ? x+x+1+x+2, और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 9 3 जा, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 times साइड, दैट इज 9, साइड 9 है तो 3 times 9. अब देखो x ऐड हुआ 3x, 1+2 3 इक्वल टू 9 3 जा 27, 3 उधर जाएगा माइनस होगा, 27 - 3 बचा 24, तो x इक्वल टू 24/3, x की वैल्यू आ गई 8. तो ये वाली साइड आपकी 8 है, ये 9 हो गई, और ये हो गई 8+2, दैट इज 10, साइड्स आ गई. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड? तो शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या है? 8. स्मॉलेस्ट साइड 8, लॉन्गेस्ट साइड इज 10. एरिया पूछा होता तो हम फिर से एरिया लगा लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर द रेशियो ऑफ AD टू DC इज 3:2. AD टू DC का रेशियो गिवन है, AD अपॉन DC, इन दोनों साइड का रेशियो गिवन है, ये 3 है और ये 2 पार्ट है, दिस इज 3 पार्ट एंड दिस इज 2 पार्ट, तो ये पूरी AC क्या हो जाएगी? 3+2 मतलब 5 पार्ट्स. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC? तो बेटा बेस का इस केस में हम क्या करें, यदि हम एक हाइट ड्रॉप करें, इसको हमने बोल दिया कि BM परपेंडिकुलर है AC पर, तो इस ट्राइंगल की हाइट भी यही है, और ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट भी यही है. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हाइट ट्राइंगल के आउटसाइड लाया करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. राइट ट्राइंगल में तो आपको पता है कि वन ऑफ द साइड्स बिकम हाइपोटेनियस, हाइट दोनों में से एक साइड ही हाइट हो जाती है 90 डिग्री के कारण, एक बेसिक हाइट. और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट ट्राइंगल के अंदर होती है, जैसे ये वाला आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो हाइट ट्राइंगल के अंदर है, पर यदि ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल है लाइक दिस तो ये एंगल मोर देन 90, तो इसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर लाए करेगी. ठीक, तो हमको क्या पता चल गया? दोनों की हाइट सेम है, और हमारे पास एरिया किसका है? हमारे पास एरिया पूरे ट्राइंगल ABC का है, तो ABC का एरिया ऑफ ABC 40 है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ BDC पूछा है, तो BDC का एरिया इसका कितना पार्ट होगा? 2/5, क्योंकि ये 3 पार्ट्स है, ये 2 पार्ट्स है. बेस में जो रिलेशन है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम करते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं, और बेस क्या होता है? AC है ना, बेस होता है AC, हाइट तो सेम होती, और AC क्या है? 5 times है. और हमारा ये वाले ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी सी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हाफ बेस, बेस की जगह क्या आएगा डी सी, और हाइट सेम है तो डी सी कैन बी रिटन एज 2/5 ऑफ ए सी। तो हम डी सी की जगह पर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 2/5 ऑफ ए सी इंटू एच। पर आपको क्या पता है, हाफ ए सी इंटू एच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और इसकी वैल्यू 40 है, तो हाफ ए सी इंटू एच की जगह इसकी वैल्यू, हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 40, तो इसका एरिया क्या हो गया 40 इंटू 2/5, 5 8 40, 8 2 16, तो उस ट्राइंगल का एरिया आपका क्या आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन 1। और यदि हमको इसका एरिया निकालना होता तो हम 40 में से 16 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 24, इसका एरिया आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम डायरेक्ट निकालते तो ये 3 पार्ट है आउट ऑफ 5 पार्ट, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते 40 × 3/5, 5 8 40, 8 3 24, ये अलग कंसेप्ट है, ये हमने पहले नहीं किया था, पर अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेस, अभी हम लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है, एज यू नो मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग इन ऑफलाइन क्लासेस, तो ये ऑब्जर्व किया मैंने, मतलब मैंने बच्चों से फीडबैक लिया था, मोस्ट ऑफ देम सेड की क्लास बहुत लंबी होती है, हाँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन अभी कम किया है, क्योंकि एक्चुअली आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपने आप क्लास सॉल्व करनी है, मतलब जैसे क्वेश्चन आया आपको वीडियो पॉज करके इसको करना है, तो 45 मिनट की क्लास एक्चुअली 1.5 घंटे की हो जाती थी, क्योंकि आप खुद करके यदि उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम जब क्लास में क्वेश्चन आप लोगों से करवा रहे हैं, है ना, जब बच्चे खुद उसको सॉल्व कर रहे हैं तो दे टेक मोर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको सोचना पड़ता है कि इसमें क्या करना है, हाँ फिर आप सॉल्यूशन पे आते हो, और फिर सॉल्यूशन में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यू टेक सम टाइम, है ना। तो मैं अब आपकी स्पीड के हिसाब से ही आपको पढ़ा रही हूँ, जैसा आप लोगों ने फीडबैक दिया क्लास में। 10th वाले बच्चों का भी यही था कि मैम बहुत लंबी हो जाती है क्लास, क्योंकि हम यदि पॉज करके खुद करके हैं करते हैं, जो एक्चुअल तरीका यही है ऑनलाइन में मैथ्स पढ़ने का, तो क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, कि वो हमारी ख़त्म नहीं होती जल्दी, हमको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, इसलिए टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जिस भी चैप्टर में से, तो भेजो, अभी आपका लास्ट ही बचा है रिविज़न में हेरॉन्स फॉर्मूला, तो आपके जो भी डाउट्स हैं भेजो, फिर हम पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। द बेस एंड हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली 5 and 13। राइट ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, बेस मतलब ये, हाइपोटेनियस मतलब ये 5 है और ये 13 है, और हमसे पूछ रहा है एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत है, बिना इसके तो एरिया निकल नहीं सकता राइट ट्राइंगल का, हाँ हाफ बेस इंटू हाइट भी लगाएं तो हाइट नहीं हमारे पास, और हम यदि हेरॉन्स फॉर्मूला लगाए तो भी पी मिसिंग है, तो तीनों केस, दोनों केस में हमको परपेंडिकुलर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी राइट ट्राइंगल है आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, क्या है वो, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, बी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, एच 13 है, 13 का स्क्वायर 169, ये 25 उधर ट्रांसपोज होगा तो पी स्क्वायर हुआ 169 माइनस 25, वैल्यू आएगी 144, एंड आई होप यू रिमेंबर इट इज़ स्क्वायर ऑफ 12, तो स्क्वायर रूट लेने पर दोनों साइड का परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 12। हाँ एक्चुअली तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, आपने 8th में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है, शुड मस्ट रिमेंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट 5, 12 and 13, हाइपोटेनियस 13 है, वन ऑफ द साइड 5 तो दूसरी क्या आएगी 12, ये आ गई 12। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये हाइट है हाइपोटेनियस नहीं है, हाइट 12 है और बेस 5 है, तो क्या हो गया हाफ 12 इंटू 5, 2 6 6 5 आंसर क्या आ गया 30 यूनिट 3 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा
30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आपका आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इन सारे क्वेश्चंस को करो। कहीं भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करो, किसी भी चैप्टर में कहीं से भी, कोई भी बुक, कोई भी इंटरनेट से, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चैप्टर से, तो कीप सेंडिंग। थैंक यू।